तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, आज था स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि गाइस थंडरडोम से WWE का आखिरी स्मैकडाउन का शो था, जहां पर गाइस हमें एंडिंग में जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिली। तो गाइस इस मेन इवेंट सेगमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कि एज रिंग के अंदर आ जाते हैं और वो यहाँ पर रोमन रेंस को कॉल आउट करके कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे बीच आया तो उसका हाल वैसे ही होने वाला है जैसा कि इस फोटो में आपको देखने को मिल रहा है। जिसके बाद वो रोमन रेंस की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती मारते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जिमी एंड जे उसो के साथ पीछे बैक स्टेज ही थे और वो आराम आराम से रिंग की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर उसोस भी आ जाते हैं और रोमन रेंस कहते हैं कि तुम दोनों बाहर ही रहो, मैं अकेले एज से निपट लेता हूँ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस रिंग के अंदर जाते हैं और हमें एज एंड रोमन रेंस के बीच जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिली, जहाँ एज रोमन रेंस की धुनाई कर देते हैं और वो स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, तभी यहाँ पर गाइस उसोस आकर एज पर अटैक करना शुरू करते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मिस्टीरियोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जो कि पीछे से स्टील चेयर लेकर आते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं उसोस पर। और इस तरीके से गाइस सभी सुपरस्टार के बीच हमें जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिली, जहाँ पर गाइस फेस टीम को काफी ज्यादा अपर हैंड दिया गया और इन्हीं से भी ब्रॉल के बीच हमें देखने को मिलता है कि किसी तरीके से रोमन रेंस छुपकर यहाँ से भाग जाते हैं और वह एंट्रेंस एरिया के पास जाकर खड़े हो गए, जिसके बाद वो वहीं से देखते रहे अपने भाइयों की धुनाई। और हमें देखने को मिलता है कि एज एक बार फिर से लास्ट वीक जैसे सबमिशन मूव लगाते हैं जिमी एंड जे उसो के ऊपर और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और रोमन रेंस को उकसाते हैं कि भाई रिंग में आ, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर रिंग के अंदर आते नहीं है और यहाँ पर गाइस उसो की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। और गाइस कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन का एपिसोड ऑफ एयर चले जाता है और एक बार फिर से रोमन रेंस अपने भाइयों को बचाने नहीं आए, ये हमें स्मैकडाउन पर देखने को मिला। और गाइस अब नेक्स्ट वीक ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि इनकी स्टोरी किस तरीके से कंटिन्यू होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट वीक लाइव फैंस भी आने वाले हैं। तो फिर देखते हैं किस तरीके से WWE चीज़ों को बुक करती है। और गाइस बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं मत जाना, और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ही WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।